तो जय श्री राम, जय भोले बाबा की, जय श्याम खाटू वाले बाबा की। दोस्तों, मेरा चैनल है रण सिंह बागड़ी करके, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नए बहन भाई जुड़े हों वह सब्सक्राइब करें, और अगर कोई चूक हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ। हाँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं चिंतामणि रेस्टोरेंट के पास में, और कांवड़ सीवर देखने के लिए, और कांवड़ सीवर के अंदर हम बढ़िया बढ़िया कांवड़ दिखाने के लिए आप लोगों के लिए आए हैं। हमारे साथ में है खड़ा भाई, साथ में है पंकु बागड़ी, बलराम बागड़ी, और मैं रण सिंह बागड़ी। जय भोले की। 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 ये देखिए, ये कावड़ सीवर, ये चश्मा श्री नीलकंठ कावड़ सेवा कैंप, अभी पहुंचा भी नहीं हरिद्वार, श्रीवास्तवों का कैंप, सभी श्रीवास्तव हैं इसमें। ये लोग तैयार होते हुए प्रधान जी का की तरफ जाते हुए हमारे साथ में बच्चा भी आया था, पंकु बागड़ी, वो पीछे रह गया, मैं चौंक गया।
आपको देख ले। आइए ब्लॉगर, हम अक्सरा बॉर्डर पर जा रहे हैं कावड़ कैंप में। भोले विश्राम कर रहे हैं कावड़ अपनी यहाँ विराजमान कर। क्या बोलेगी बोले ये तिरंगी कावड़ मक्खियों वाली कावड़। जय बोले की। जय बोले की। अरे हाँ तो किसान देखो चल रहे हैं पता नहीं आए ऐसे रख के तो भाई आ जाओ जय बोलेगी। जय बोलेगी। Oh!
बड़ा शिविर लगा है और ये हमारे हर वर्ष लगाते हैं कुशवा जी, और हम आपको जो यहाँ मेहनत करते थे उनके भी दर्शन कराते हैं जो अब स्वर्गवास हो गए हैं अभी राजेंद्र भाई साहब। ये इसी वर्ष स्वर्गवास हो गए हैं। परिवार और यहाँ भोजन की व्यवस्था है, यहाँ भोजन कराया जा रहा है, यहाँ भोजन कराया जा रहा है सभी व्यक्तियों को, और कांवड़ जी के जो आए हैं उनकी हमारे कांवड़ सेवी ओम बी सिंह चौहान जी जो यहाँ RWO के अध्यक्ष भी हैं, और आनंद नगरी में मेंबर भी हैं हमारे सभी समाज सेवक बैठे हुए हैं, बंसीलाल जी दिखाना भाई जा रहा है इधर, ये हमारे सभी भाई समाज सेवक बैठे हुए हैं और ये भोला भाई बैठे हैं। और भाई साहब ये हैं ललित भोला, और अभी आए हैं ये तीन भोले, अभी भोजन के लिए इनको बिठाया गया है, और ये हैं सचिन सागर, और ये है देशराज वाला मंदिर B4 248 नंद नगरी, और ये आ गया अमित भोला, ये भी अभी अभी आए हैं, और ये ललित भोला प्रिंस भोला और